What's up guys, welcome to the brand new video. Last video में जब मैं बाहर गया था gaming parlor में, वो आपको vlog बहुत पसंद आया. Edit जब करता हूँ तो 4-5 बार अपनी video देखता हूँ. तुम मतलब 4-5 बार जितनी बार मैंने देखी मुझे हंसी आई, next level वाली. So thank you for the response and I might be going there again, मतलब exactly same जगह पे नहीं, but शायद मैं bowling करने जाऊँ in the coming weeks, क्योंकि bowling करने का मेरा बहुत मन है और वहाँ पे हम कर नहीं पाए थे क्योंकि भीड़ थी. ऐसे अगर जिन्होंने vlog देखा उनको पता ही होगा. Guys, थोड़ी देर में I have to go out for some important work. वहीं जाके आपको बताता हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है. दैट इज समथिंग जिसके बारे में मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ. और गाइज ये देखो, यहाँ पे फैब्रिक कट्स आए हुए मेरे पास. दीज हैव कम टू मी फॉर अप्रूवल. ये थोड़ा डार्क कलर है, ब्लैक ग्रे का मिक्सचर टाइप से. ये थोड़ा ब्लू कलर में. दीज कलर्स आर फॉर जॉगर्स. एंड गाइज यू हैव माई वर्ड फॉर इट कि जो नेक्स्ट लॉन्चेस होने वाले नेक्स्ट स्टेप के, वो इतने ज्यादा फाड़ होंगे कि भाई मजा आ जाएगा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, हेलमेट पहन के घूम रहे हैं. एक चीज मैं द्वारका की तारीफ करूंगा, यहाँ की रोड अच्छी है और चौड़ी चौड़ी है, ग्रीनरी भी है. पुलिस देख ले, चलान तो नहीं कटेगा. तो गाइस वी आर इन वेगस मॉल, दैट इज इन द्वारका. मैं पहली बार इस मॉल में आ रहा हूँ एंड इट इज प्रीटी गुड. काफी बड़ा मॉल है. द्वारका वालों के मजे हैं कि उनके पास इतना बड़ा मॉल है, और हम वेस्ट दिल्ली वालों के पास कौन सा पैसिफिक मॉल है, जो कि इतना बड़ा नहीं है बट अच्छा है. तो वहाँ पे क्राउड थोड़ा सा बेटर, क्या बोलते थे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, क्राउड कंपेयर कर रहा था कि यहाँ का क्राउड पैसिफिक का क्राउड अच्छा नहीं है पैसिफिक जितना. अब यहाँ पे अगर पनीर है तो पैसिफिक में मलाई पनीर है. कढ़ाई पनीर, बटर पनीर मसाला है वहाँ पे, बटर पनीर मसाला है. And guys, the reason that I came here is that यहाँ पे बहुत ही एक famous tattoo artist है, tattoo shop है, that is Devil's Tattoos. Delhi के one of the most famous tattoo shops में आता है वो. तो वहाँ पे कुछ inquiry करने आए थे मैं और त्यागी, because we are planning to get a tattoo. अभी final नहीं है, सिर्फ inquiry करी है. मेरा मन नहीं था बनवाने का. हाँ बंदा चाहिए था तो इसने कहा ये भी पूछने आ जाता है, तो मैंने भी पूछ लिया, rates and all, design and all discuss कर लिया है. We'll see. मैंने कहा था मम्मी बता देंगे, कह रहे तेरी मम्मी से बात ना कर लो, देखते हैं. तू छुपा. फाइनली भाई मिल गई बाइक. पिछले 20 मिनट से इस बंदे ने चक्कर पे चक्कर लगवा दिया. ठीक है, जब भी बाइक लेके आते हो पिलर की फोटो खींच लो, कौन से पिलर पे बाइक खड़ी करी आपने. सो गाइस वी आर इन द जिम एंड निक्की भाई आर यू रेडी फॉर व्हाट, डेडलिफ्ट. निक्की हमेशा डंबल से डेडलिफ्ट करता था क्योंकि मैं चाहता था कि इसकी फॉर्म एक बार थोड़ी सी मतलब स्मूथ हो जाए. एंड अभी आज हमने डिसाइड करें कि फॉर्म स्मूथ हो चुकी है. तो फॉर द फर्स्ट टाइम निक्की डूइंग डेडलिफ्ट विद बारबेल. और निक्की आज तक डेड लीफ बोलता था. ठीक है, तो आज क्या बोलते हैं, डेड लिफ्ट. लिफ्ट लिफ्ट, हाँ सही हो गया, उठाना, लिफ्ट तो उठाना. ठीक है, और आर यू रेडी. निक्की ने बेल्ट भी पहनी हुई है, एक ही कस्टम बेल्ट बनवाई है निक्की के लिए. ठीक है, और निक्की चौक लगा ले, चौक लेना जरूरी है जब आप हैवी डेड मार रहे हो तो. चौक लगा, ये चौक है. हाँ, गर्दन पे, गर्दन पे, गर्दन पे भाई. बढ़िया, चल लेट्स गो. ओ चल लेट्स गो, लेट्स गो, कम ऑन. थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, हाँ स्लो. बढ़िया, थोड़ा स्लो कर यार, क्या इसे स्लो करवा यार. निकी भाई इधर हक दिया, हक दिया भाई. देखो तू पहली बार गाने बंद किया कर, जब तू अच्छे गाने चला नहीं थे मैंने. हाँ तो मैं बोल रहा था, सुनाई नहीं रहा था, मैं कहता धीरे कर. तो सारे एक से तेज क्यों करता है, मजा आता है तेज करने में. फिर जल्दी करूँगा, अरे जल्दी करूँगा इसलिए. अरे तू जल्दी कर, ऑनेस्ट इसे पेड़ भिजना है मेरे पेड़ पेड़ भिजना है, जल्दी कर, काट दिया. जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर, जल्दी से निकल जाएगा इसका. मत कर यार. ओ त्यागी भाई फेल्ड एट वन रेप 150 किलोस से, एंड छोटा त्यागी भाई इज मेकिंग प्रोग्रेस. ये वो रिदम नहीं बन रहा यार, दिस इज पैथेटिक ब्रो. थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, आनी चाहिए, मजाक नहीं. सुन सुन सुन, पहले वाले में मैं फट इतना लग रहा है. तू लाइफ में जब भी तेरे को मुसीबत है मैं सबसे पहले खड़ा हुआ हूं तेरे साथ.
ठीक है, एक ग्रुप में तेरी बेइज्जती हो रही होती है, सबसे पहले मैं उस ग्रुप के बीच में आता हूँ कि भाई त्यागी के बारे में उल्टा नहीं, क्योंकि मैं भी बोलूँगा, ठीक है, लेकिन तू कहीं गलत कर रहा है तो मैं, तूने फॉर्म देखी, क्योंकि असली दोस्त वही होते हैं जो हर बात में तारीफ करते हैं, असली दोस्त होते हैं, ठीक है, जो पिन पॉइंट करके अपनी कमियां निकालते गलतियां निकालते हैं वो असली दोस्त होते हैं। मैं रैप्टा मारूंगा, तूने फॉर्म देखी? हाँ, क्या दिक्कत है? मैं बताऊं क्या दिक्कत है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से तू फॉर्म ले रहा है, ठीक है, तो आइडियली द बार शुड ट्रैवल स्ट्रेट अप, ये बार मान लेना आप लोग, सीधा नीचे जाए सीधा ऊपर आए, बार का पाथ सीधा होना चाहिए, अगर बार ऐसे ऐसे मिल रहा है आगे की छोड़ तो वो एफर्ट ज़्यादा लगा रहा है, मुश्किल कर रहा है, एफर्ट लग रहा है तेरा ना, बार जमीन से उठने से पहले ऐसे हुआ था आगे, हाँ थोड़ा ऐसे चेंज हो सकता है, उससे पता लग गया कि तू आगे पीछे की फोर्स लगा रहे हो, टेढ़े मेढ़े लगा रहे हो, तो स्टार्टिंग पोजिशन के लिए कर, तो जमीन से ढंग से नहीं उठा, तो इस कंडीशन में मेरे को कहना चाहिए तूने 150 मारा तीन रेप्स में, जो कि तेरे लिए एक पीआर टाइप होता, ठीक है, तो तेरे को कम से कम 20 किलो ड्रॉप कर देना चाहिए, 130 पे आना चाहिए, ठीक है, तब तेरे को मानना चाहिए, क्योंकि तेरे को कंफर्टेबल वेट होगा, वेट चैलेंजिंग बट कंफर्टेबल, उसमें 3-5 रेप लगा, तो फॉर्म तू अपने मन में फॉर्म को बैठा, तू भूल चुका है डेडलिफ्ट, हाँ भूल चुका हूँ, तो डेडलिफ्ट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, उसका पैटर्न मन में याद करना प्रैक्टिस से आता है, इतने बड़े ब्रेक के बाद आएगा तो बोलेगा भाई 5 महीने पहले मैंने इतनी मारती, मैं आज भी उतनी मारूंगा, 10 किलो कम मारूंगा, ऐसा नहीं होगा, वो पैटर्न बैठाने के लिए तेरे को एक तो ज़्यादा रेप्स करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 6-8 रेप्स के सेट मारने पड़ेंगे, प्लस थोड़े से कम वेट से करने पड़ेंगे, एंड वो कम वेट करते वक्त यू हैव टू थिंक कि हाँ ये कम है लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ईगो में मत लो, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, समझ रहे, मैं लोअर बैक इंजरी के बाद आता हूँ, पता है मेरी क्या हालत है, 4 दिन बेड में पड़ा हुआ था, मैंने कम से करा 100, 120, 150, आज तेरे सामने 180-190 कर दिया, मैं तेरे लिए एक लिविंग मोटिवेशन हूँ, कैमरा तोड़ दूंगा मैं, बट मैं गलत कह रहा हूँ क्या? हाँ ठीक है, देख मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा नहीं हूँ, मैं सबसे लीन बॉडी में भी कोई सबसे बाढ़ नहीं है, सब फिट बनता हूँ, लेकिन जो मैं मोटिवेशन देता हूँ उसके अभी स्टैंडिंग ओवेशन, मेरे हाथ में ना पाउडर लग रहा है, ये तो आज मुंह पे छप सकता है, अभी मुझे मैं स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करता हूँ, क्योंकि जो मैंने स्पीच दी है पाउडर अभी वन लाइफ बेबी, वन लाइफ बात तो सही करता है। गाइज आज से अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा विंत्रा सबकी सेल चालू हो गई है, मैंने भी यहाँ पे अपनी शॉपिंग डन कर दी है, इस बार काफी भारी शॉपिंग करी है, आई हैव फाइनली बॉट समथिंग जो मैं बहुत ही लंबे टाइम से खरीदना चाहता था, मेरी दिली इच्छा थी और इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, और वो क्या है मैं मोस्ट लाइकली अगले व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि ये व्लॉग जब तक खत्म होगा तब तक वो शायद चीज़ डिलीवर ना हो। अब गाइज आई डोंट नो इफ दिस विल इंटरेस्ट यू और नॉट, लेकिन मेरे यूट्यूब के पेज में रैंडमली इस बंदे की दैट इज़ जॉर्डन बी पीटरसन, इसके इंटरव्यूज़ आने लग गए थे, मैंने एक देखा एंड आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम वॉचिंग मोर ऑफ हिज वीडियोज़, एंड आई हैव नेवर इन माई लाइफ सीन अ पर्सन जो इतना सही डिबेट करता हो विद फैक्ट्स एंड पोलाइटली, जैसे इंडिया में क्या होता है कि भाई आप न्यूज़ चैनल पर देखते हो कि चिल्लाते रहते हैं पागलों की तरह, दिमाग ख़राब रहता है, मन करता है मैं अंदर घुस के चपेट लगा दूँ, बट ऐसी डिबेट सुनने में स्पेशली दिस पर्सन भाई मज़ा आ गया, मतलब सोचो मैं ऐसे YouTube पे सिर्फ फनी वीडियोस हैं इस सब के लिए YouTube चलाता हूँ, बट मैं लाइक सीरियस इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ और मैं एटलीस्ट 2-3 घंटे की ऐसे टोटल वीडियोस देख चुका हूँ, सो आई हाईली रिकमेंड आप देखना इसके इंटरव्यूज बहुत मस्त है। बाकी गाइज दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा, अगर आया था तो लाइक एंड कॉमेंट कर दिया करो, बोलने की जरूरत नहीं है, और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द कमिंग डेज, क्योंकि कभी भी मेरा आइटम डिलीवर हो सकता है जो मैंने मंगवाया है सेल में, प्रीटी एक्साइटेड फॉर इट, अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगा, बाकी बढ़िया चल रही जिंदगी, चलिए जिंदगी। Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up by the lot, no more lease, we pay cash. Show up to a crib, had the keys to a jack. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember them days, we couldn't wait for the first. Finally made me a meal, now we eating off the verse.